प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते एवं पाठ्यक्रम व ड्रेस बदलने पर रोक लगाने को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा के नेतृत्व में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष डोनेशन एवं आर्थिक शुल्क वृद्धि एवं नए एडमिशन व री एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसे तत्काल रोका जाए। प्राइवेट स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष बिल्डिंग निर्माण, पंखा, कूलर, कंप्यूटर लगवाने व अन्य सुविधाओं के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, उसे अभी तक आ जाए आदि मांगों को लेकर शिव सैनिक द्वारा प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन देने वालों में राम अवतार सागर, विनोद परिहार, राहुल वर्मा, अंकित चपरा, शिल्पी सिंह, मंजू राठौर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। पब्लिक स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पब्लिक स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। तुरैहा जी, किस संबंध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदयों को सौंपे ज्ञापन में पब्लिक स्कूलों में की जा रही मनमानी का विरोध करते हैं। पब्लिक स्कूलों में फीस वृद्धि हो रही है, री एडमिशन, एडमिशन के नाम पर फीस ले रहे हैं, एनुअल के नाम पर फीस ले रहे हैं, कूलर, पंखा, बिल्डिंग निर्माण आदि के नाम पर फीस ले रहे हैं। किताबों की, बुक्स की और ड्रेस की एक ही दुकान से बाध्यता खरीदने की बाध्यता कर रहे हैं। इन सब के विरोध में शिव सैनिक आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शीघ्र ही पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे। जय हिंद, जय भारत।